नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत लियो कंपाउंड के पास दो पक्षों के आपसी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति को चाकू मार दिया। चाकू के हमले में युवक घायल हो गया और आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद घायल युवक को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया। पुलिस को घटना की जानकारी लगते ही वो जिला चिकित्सालय पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि दो पक्षों में बच्चों के लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद अब आशीष अपने साथी विनय और पहलवान के साथ आया और अब्बास को चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। कैंट पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी अद्यतन अपराधी है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या घटना है, कहाँ की घटना है? पहले इनका दो तीन दिन पहले विवाद हुआ था बच्चों में, तो उस पर मैं और अब्बास और भैया थे और उस पर हम लोगों ने बचाव करे हैं, तो इस कारण उन लोगों ने बोले मारने के लिए। उसमें आशीष ने चाकू मारा है और विनय था और पहलवान था। पहलवान और विनय ने पकड़े थे, आशीष ने चाकू मारा है। कहाँ पे मारा है? लियो कंपाउंड के पास। चाकू कहाँ है? जांग के पास पड़ी है। आपका नाम? मेरा नाम समीर मंसूरी है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।